हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। श्रमिक मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए रेल से लौटे बिहार। बिहार बाड़मेर से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। नदियों से घिरे बिहार के लोग समंदर से रेगिस्तान तक फैले हैं। ब्यूरोक्रेसी से लगाकर श्रमिक तक में बिहार का नाम सबसे आगे है। बिहार के श्रमिकों का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में काम करता है। लॉकडाउन के बाद से फैक्ट्री और कमरों में बंद बिहारियों की पीड़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समझी और 1200 श्रमिकों को वापस भिजवाया है। नॉन स्टॉप ये ट्रेन मोतिहारी तक जाएगी। श्रमिकों के लिए निःशुल्क संचालित इस ट्रेन में पानी भोजन सब उपलब्ध होगा। वहीं टिकट खर्च सरकार वहन करेगी। बिहार के 1200 मजदूरों के साथ एक श्रमिक विशेष ट्रेन रविवार को राजस्थान के बाड़मेर जिले से रवाना हुई। ये ट्रेन 1200 श्रमिकों को चेहरे पर मुस्कान देकर चली। ट्रेन बिहार के मोतिहारी जिले के लिए जाएगी। बिहार जाने वाली 1200 वो मजदूर है जिन्होंने घर लौटने के लिए बाड़मेर में पंजीकरण कराया था। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे श्रमिकों ने खुशी जाहिर की कि सरकार ने उन्हें वापस घर लौटने का जरिया उपलब्ध कराया। वैसे कुल 1665 बिहारी मजदूरों ने पंजीकरण कराया था, मगर इस ट्रेन में सिर्फ 1200 को ही घर जाने का मौका मिला। बाड़मेर के ADM राकेश शर्मा के अनुसार श्रमिकों के चेहरे पर सुकून दिखा कि वो घर लौट रहे हैं। विशेष ट्रेन के अनुरोध को मंजूरी दिए जाने के बाद राज्य जोधपुर में फंसे बिहार से समान संख्या में श्रमिकों के साथ शेष 465 श्रमिकों को ले जाने के लिए एक और ट्रेन की मांग करने की योजना बना रहे हैं। बचे हुए लोगों को घर भेजने के लिए जोधपुर जिला प्रशासन से बात चल रही है ताकि एक ही ट्रेन में दोनों जिलों में फंसे मजदूरों को बिहार भेजा जा सके। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार आ रहे मजदूरों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। राजस्थान की गहलोत सरकार इन मजदूरों का किराया वहन करेगी। जिला मुख्यालय पर सभी मजदूरों को इकट्ठा करने के लिए बसों को ब्लॉकों में ले जाया गया है। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार चिकित्सा विभाग से कहा गया था कि रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने से पहले सभी कर्मचारियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाए। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।